as cute as a penguin. मैं ये काली काली आंखें का शूट कर रही थी और वहाँ पे भी यू नो वो वेटर आके कि मैम आपको कहीं तो देखा है. तो टू हैव फन चीता जैसे कि अरे ये सीक्रेट गेम्स में थी. एंड वो वेटर ने बोला है ना मुझे पता था. फिर वापस आया कि नहीं मैम सीक्रेट गेम्स में नहीं आप किस में तो बता ना. तो चीता ने कहा ये दंगल में थी. लाइक दंगल में थे. गोलू सीजन वन में रसगुल्ला थी. एग्जैक्टली. सीजन टू में वो आग बबूला थी और सीजन थ्री में वो बम का गोला बन चुकी है. To go out and hog a meal. I think that would be Guddu because Guddu ki appetite itni zyada hai. Who would you like to go to gossip with? I think gossip with Kalin Bhaiya. Delhi ka khana. When I go to Delhi, I start with breakfast with chole bhature. लंच में राजमा चावल, डिनर में बटर चिकन. यार कौन सा गाना है जो हमेशा आपको पार्टी करने के लिए एक्साइट कर देता है? माही वे. Oh. And is it time to disco? What a song. वो तो पार्टी सॉन्ग, बेस्ट पार्टी सॉन्ग. कभी कभी एक अच्छी लाइफ के लिए कुछ गुड वाइब्स ही काफी होती हैं. पर ये गुड वाइब्स है क्या? गुड वाइब्स इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट प्लेस, द राइट पीपल, द राइट मूड एंड द राइट थिंग्स टू डू. और आज हमारे साथ ये गुड वाइब्स शेयर करने को वी हैव अ रियली स्पेशल गेस्ट, जिनकी शुरुआत लगी लोगों को आसान मगर जिन्हें मिली पहचान थ्रू मसान. ये वो हैं जिनकी काली काली आंखों पर हर कोई फिदा है. ये वो हैं जिन्होंने किया कई हरामखोर का दहन है मगर जिनकी कला एकदम मेड इन हेवन है. प्लीज वेलकम मिर्जापुर की प्यारी, सब पर भारी, हम सब की फेवरेट गोलू, श्वेता त्रिपाठी. थैंक यू सो मच. और आपने तो मेरा दिन बना दिया विद दिस इंट्रोडक्शन. इतना प्यारा, इतना सो वेल thought of, so thank you so much. Welcome to the show. We were really excited to have you on the show, which is why the intro had such energy. काफी टाइम से आपका काम देख रहे हैं, आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं. We are huge fans. How sweet. Especially I love your username बटाटा वड़ा. Yes. क्या है बटाटा वड़ा की, क्या स्टोरी है? बटाटा वड़ा का ये है कि मुझे ये लगता है कि as an actor मुझे आई वॉन्ट टू बी लाइक अ बटाटा. क्योंकि आप चाहे वेजिटेरियन हो, वीगन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप चाहे दुनिया के किसी कोने से बिलोंग करते हो, बटाटा विल फाइंड अ वे टू बी ऑन योर प्लेट. राइट, सबके साथ जुड़ जाता है. एग्जैक्टली. और आप जो फ्लेवर दो वो उस फ्लेवर को ले लेता है. हाँ. तो चाहे आप फ्राई करो या व्रत में खाओ, वो आप लेकिन वो आ जाता है, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज की तरह हो या स्वीट पोटैटो हो. सो दैट इज हाउ आई वॉन्ट टू बी एज एन एक्टर, कि जब मुझे कोई स्क्रीन पे देखे तो पहले वो मेरा किरदार देखें और फिर वो मुझे देखें. सो या चीयर्स टू बटाटा. वेरी नाइसली थॉट. आई थिंक नोबडी पुट्स द काइंड ऑफ थॉट दैट यू पुट इनटू इट. एंड कांग्रेचुलेशंस, सीजन 3 ऑफ मिर्जापुर इज आउट एंड ऑडियंसेस आर लविंग इट. इट्स गेटिंग अ ह्यूज रिस्पांस. आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ इज द फीलिंग? यू नो लास्ट 2 वीक्स हैव बीन सो ओवरवेलमिंग, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है. हमें पता है कि मिर्ज़ापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज इवन एज एक्टर्स, लेकिन हमारी होप हमेशा ये रहती है कि जब हमने जो मेहनत की है, हमने जो इतने प्यार से दिल से बनाया है, जब ऑडियंस के पास आए तो उनको भी वो महसूस हो एंड थ्रू द स्टोरी, थ्रू द कैरेक्टर्स. तो एक सेलिब्रेशन सा चल रहा है ओवर द पास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ. गुड वाइब्स के बारे में बात करते हैं तो वी बिलीव कि कुछ गुड वाइब्स लोगों से भी आती है. hmm. जैसे आपने बताया कि चीता से आती है. hmm. और कोई लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपको ये गुड वाइब्स आती है? मेरी टीम एक्चुअली, बिकॉज कोई भी कैरेक्टर ना आप अकेले कुछ नहीं करते. एज एन एक्टर बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है एंड हर अलग अलग डिपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स. बट ये मेरा रियलाइजेशन जो कि काफ़ी लेट हुआ था, वॉज ऑन द सेट ऑफ ये काली काली आँखें, जब मैं बैठी हुई थी और मेरा टचअप चल रहा था एंड देन आई रियलाइज दैट शिखा इज नॉट जस्ट मी, इट इज़ माई टीम. जो हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, द वे अ कैरेक्टर इज शॉट, ये सब जब अपना काम अच्छे से करते हैं तो किरदार अच्छे से निखर के बाहर आता है. तो मेरी टीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे आपने टीम की बात करी, आई वुड definitely kudos to the team because hmm. you're looking fantastic today. Thank you so much. And I love the detailing that you put in the earrings, your sari, as cute as a penguin.
No need to say it any more. It says it all. So talking about Mirzapur also. So who would you say people की बात भी करें तो मिर्जापुर में कौन लोग आपके सबसे ज़्यादा closest हैं? तो मिर्जापुर जितना ही खतरनाक और खून पसीने scars वाला जितना मैं on screen देखता है, off screen exactly उसके opposite है. And of course the cast. मतलब मैं जिसकी भी बात करूँ, चाहे वो अली फजल हो या विजय वर्मा हो या हर्षिता हो या रसिका, अंजुम, literally everybody, सब में इतना प्यार है एंड सब बहुत सिक्योर हैं. राइट. वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है, क्योंकि अगर आप इनसिक्योर हो गए ना, ना आप खुद का भला कर रहे हो और ना अपने साथ वालों का भला कर रहे हो. आई फील कि जैसे आपने बताया, जो एनर्जी स्प्रेड हो रहा है वो टीम में, वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है एज अ व्यूअर, वो हमें देखने में और मज़ा आ रहा है. आई एम सो ग्लैड. थैंक यू गुरुपा. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स एंड मिर्ज़ापुर ऑल्सो, तो एक चीज़ जो मेरे को फील हुई वॉज कि इन बॉलीवुड playing a badass gunda is a challenge for any actor that we see. And to do that so effortlessly as Golu was something which has taken my heart. How did you prepare for it? ये inspiration कहाँ से आता है? कैसे कर लेते हो यार? हर एक actor का अलग-अलग process होता है. What really works for me is मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये किरदार, ये character क्या सोच रहा है, क्या feel कर रहा है. राइट. वो मेरे लिए इमोशंस मेरे लिए बहुत जरूरी हैं. तो गोलू हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स. एग्जैक्टली. क्योंकि तो इतने साल भी बीत चुके हैं एंड आई हैव नॉट डन अ सीजन 3 ऑफ एनीथिंग. और इस स्केल और इतनी पॉपुलैरिटी, तो खैर मतलब मैं एयरपोर्ट से लेके कहीं भी जाती हूँ. इनफैक्ट मैं ये काली काली आंखें का शूट कर रही थी एंड वहाँ पे भी यू नो वो वेटर आके कि मैम आपको कहीं तो देखा है. तो टू हैव फन चीता जी सर के, अरे ये सीक्रेट गेम्स में थी. एंड वो वेटर ने बोला है ना, मुझे पता था. फिर वापस आया, कितना नहीं मैम सीक्रेट गेम्स में नहीं, आप किस में तो बता ना. तो चीता ने कहा ये दंगल में थी. लाइक दंगल में थे. तो लाइफ में वो मजे करने बहुत जरूरी है, स्पेशली क्योंकि आप ऐसे डार्क कैरेक्टर्स कर रहे हो. एग्जैक्टली. गोलू को जैसे आपने भी बताया कि पहले हमने देखा तो वो एकदम क्यूटी सॉफ्टी सी थी. ये सीजन में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मे बी शी इज गोना बी द ब्रेन बिहाइंड गुड्डू पंडित, बट शी वाज आल्सो द स्ट्रेंथ. कि वी सॉ यू वर्किंग आउट विद इन द शो, यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ एंड इवन एन एडेड लेयर टू योर कैरेक्टर वॉज आई थिंक चूइंग गुटका, which was फर्स्ट टाइम आई हैव सीन एनी फीमेल एक्टर ट्राइंग दैट. इवन टू try that on screen is a very big challenge. So how were you okay with it? Yeah, you laga nahi ki yaar ye kaisa hoga, kaisa dekhegi audience. The thought exactly ye thi. I'm so glad ki aap wo pakad paya, wo samajh paye, kyunki ye ek choti si ladki hai jo ek mardon ki duniya mein actually ek mard banne ki koshish kar rahi hai, kyunki that is the only way to be. क्योंकि हमने जहाँ भी देखा है ये पावर जो गेम होता है या बाहुबली के बीच में, लड़कियों को मौका नहीं मिला है. एग्जैक्टली. एंड चाहे मुझे ये लगता है कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी जॉब हो, देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस. एंड वो अच्छा ही करेगा, चाहे वो गलत काम हो या सही काम हो, क्योंकि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है. एंड चाहे वो बल से आए या बुद्धि से आए, लेकिन वो एक अलग सोच तो लाएगा. क्रेजी. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट पीपल इन लाइफ, वी हैव अ फ्यू मेमोरीज दैट वी गॉट फ्रॉम योर सोशल मीडिया. एक स्नीक पीक हमें मिल गया, बट वी वांटेड टू नो द स्टोरी बिहाइंड देम. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट पिक्चर. वाओ, वेरी वेरी क्यूट पिक्चर. एंड सो मलिका इज माय, she is my not just my best friend, again she is my elder sister, younger sister, depending on the emotion, depending on the situation or the event. Malika has been there for me, with me. We met on the show called The Trip, right? And it was love at first sight. In fact, it was love before first sight. Kyunki jab hum ek dusre se mile to aisa tha ki it didn't feel like hum पहले मिले हैं. इनफैक्ट मलिका आपका बर्थडे भी जुलाई में होता है. अच्छा. सो एंड आई थिंक कैंसेरियंस आर जस्ट अमेजिंग, सुपर इमोशनल, बट इमोशंस अच्छे होते हैं. तो यहाँ हम लोग गए थे हिमाचल पॉटरी के लिए
एंड दैट इज़ वन थिंग अमेजिंग अबाउट मलाइका. मैं हमेशा उसको जब फ़ोन करती हूँ कि मलजू यहाँ चले, वो कभी मना नहीं करती. वो शी विल ऑलवेज टेक आउट द टाइम एंड शी विल ऑलवेज फिगर आउट अ वे हाउ टू मेक इट पॉसिबल. तो मुझे पॉटरी करनी थी और हम लोग गए थे एंड्रेटा पॉटरी और ये हमारे टीचर हैं सुपर क्यूट शुभम एंड थैंक यू. ये फोटो मैं लेके जा सकती हूँ? हाँ, सब सारे आपके लिए. ठीक है, तो कुछ लोगों के बारे में फ्रॉम मिर्जापुर कास्ट, आई वांट टू नो कि अगर ये सिचुएशन होगी तो हु वुड यू चूज? ओह नाइस. ठीक है, तो हु वुड यू वांट टू गो आउट शॉपिंग विद मिर्जापुर कास्ट में से? आई थिंक जरीना. जरीना, राइट, बिकॉज उनकी चॉइसेस इतनी अलग और डिफरेंट हैं एंड आई थिंक गोलू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम जरीना. राइट, टू गो आउट एंड हॉग अ मील, आई थिंक दैट वुड बी गुड्डू. Because Guddu ki appetite itni zyada hai ki we can call for multiple things and I can try some, most of them. Haan, main chak sakti hu and I'll be sure that khana waste nahi hoga kyunki mujhe khana waste karna hai bahut takleef hoti hai mujhe. Very nice. Who would you like to go out to party with? I think party would be Radhya because Radhya ko sab khabar hai ki kaun kahan kis ghar mein kya chalta hai. I think Radhya ka network strongest hai. Right. Who would you like to go to gossip with? I think gossip with Kaleen bhaiya. Kaleen bhaiya, kyunki unko jis type ki gossip pata hogi to bahut again seekhne ko bhi bahut milega aur Kaleen bhaiya jis tarah se batayenge bhi, even Bauji for that matter. Bauji ki to bahut badhiya kahani hai. Generations of, you know, इतना सब कुछ जो देखा है, right. तो उनकी पर्सनल लाइफ की भी गॉसिप और उनको अगेन सबकी खबर होगी. तो बाऊजी और किसी से एडवाइस लेनी होगी तो किससे लेने जाओ? आई थिंक शकुंतला जी, हु इज शरद मॉम. राइट राइट. आई फाइंड कि उनका जो जिस तरह से दिमाग चलता है ना, एक उनकी लाइन है जो मैं ऑब्वियसली गलत बोल रही हूँ बट उसका मोटा मोटा मतलब यह है कि गारंटी तभी होती है जब जीत और हार दोनों तुम्हारे कंट्रोल में. हाँ, 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 तो हाँ, वो मुझे बहुत सही लाइन लगती है क्योंकि कितनी करेक्ट बात है. बिल्कुल सही. हमेशा हम सोचते हैं कि जीत जब होगी, कि नहीं बेटा, हाँ, जब हार भी होगी तब तुम क्या करोगे और कैसे होगा, कौन क्या कौन सा मूव प्ले कर सकता है, चाहे वो अपना प्यादा चले या अपनी रानी चले. तो वो आई थिंक शकुंतला जी से. वेरी नाइस. शकुंतला जी इज अ वेरी नाइस रिस्पांस. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट बट इट्स अ वेरी एप्ट रिस्पांस. राइट, तो व्हेन वी टॉक अबाउट गुड वाइब्स, तो गुड वाइब्स अब कुछ जगहों से भी आती है. तो कोई ऐसी पर्टिकुलर जगहें हैं जहां आप जाना पसंद करते हो? किसी के लिए इट्स टॉप ऑफ द माउंटेन, किसी के लिए इट्स लाइक द डीपेस्ट ऑफ ओशंस. तो आपको कोई पर्टिकुलर जगहों से वाइब्स, गुड वाइब्स आती हैं? मुझे पहाड़ों से बहुत आती है क्योंकि मुझे पहाड़ों में शांति सुकून मिलता है. तो डेफिनेटली वहाँ एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ, सो आई थिंक नेचर से सीखने को बहुत मिलता है. और मुझे मैं आई रियली लाइक टू वर्शिप एंड प्रे नेचर को इन जनरल, क्योंकि हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी बैंड बजा दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हमें लेनी चाहिए. लेनी चाहिए, तो चाहे वो जो भी छोटे या बड़े वे में हो, लेकिन कम ऑन, कोई सुपर हीरो नहीं आ रहा है हमें बचाना. तो वो हमें ही सुपर हीरो बनना पड़ेगा. तो लेट्स डू दैट. सो सिंस यू ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क, आपने अब इंडिया काफी ट्रैवल कर लिया होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट शूट्स, सबसे ज्यादा शूट करने में मजा किस शहर में आया? तो बनारस मेरे लिए तो बहुत स्पेशल हो चुका है क्योंकि मसान से लेके मिर्जापुर तक, इवन कालकूट का हमने वहीं शूट किया था, एस्केप लाइफ भी वहीं शूट किया था, एक फिल्म मैंने की थी जो कभी रिलीज नहीं हुई, गुड मॉर्निंग सनशाइन, वो भी बनारस में था. तो बनारस से मुझे बहुत कुछ मिला है, तो बनारस तो मेरे लिए सुपर स्पेशल रहेगा. एंड अदरवाइज एक जो बहुत मज़ा आया था वॉज द ट्रिप, क्योंकि उसके लिए हमने, हम लोग शिलोंग गए थे, हम लोग कोसामुई गए थे, बैंकॉक गए थे, और फिर सीजन टू के लिए हम लोग पौंडीचेरी गए थे और तमिलनाडु में भी जगहें गए थे. तो मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद. तो जब जगहों की बात करते हैं, आप, आई फाउंड आउट कि आप दिल्ली से हो. दिल्ली के लड़के हूँ मैं. हाँ, मैं भी दिल्ली से हूँ. अच्छा, ओ हाँ, तभी मेरे को जानना था आपसे कि दिल्ली कितना आना जाना रहता है, जाते हो अभी भी कि नहीं जाते? नहीं नहीं, जाती हूँ क्योंकि मम्मी पापा दीदी सब अभी दिल्ली में भी है. ऑल्सो दिल्ली का खाना, मतलब बॉम्बे में बहुत ईजली मैं अपनी डाइट पे स्टिक करती हूँ, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, लेकिन दिल्ली जाके ये सब थोड़ा चेंज हो जाता है. मतलब दिल्ली जाके आप डाइट करनी भी नहीं चाहिए. दिल्ली का खाना, ओए होए होए,
मतलब व्हेन आई गो टू दिल्ली आई स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे, लंच में राजमा चावल, ओह माय गॉड, डिनर में बटर चिकन। यार राजमा चावल वो नहीं मिलते हैं यहाँ कहीं नहीं मिलते, जिस टाइप के इवन छोले कुलचे, छोले कुलचे, अरे होए होए होए, यहाँ तो मतलब तरस गए हैं कि दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे वो लिखा होता है आई थिंक इन ऑन एवरी स्टॉल इन दिल्ली। करेक्ट, गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोलगप्पे। पॉटरी भी मैंने स्टार्ट इनफैक्ट दिल्ली में की थी व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड फैशन, इवन दिल्ली का फैशन, ओ माय गॉड, वो रोड पे ही ना जब मैं देखती हूँ लोगों को तो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि किसी ने क्या शॉल पहनी हुई है या क्या डिटेलिंग है, तो वो आई थिंक दिल्ली में काफी लोगों को इंटरेस्ट है जो मुझे मजा आता है देखने। और दिल्ली की बात करें अगर तो आई थिंक यू आर, आप डीपीएस से हो? हाँ, यस, I am also a dip site. Oh, yes. अरे वाओ, क्या बात है, हम सेम ही आ रहे हैं। हाँ, तभी आपका glow और vibe इतनी अच्छी है। Thank you so much. और तो DPS के बारे में यूजली अब मुंबई में कम लोगों को पता है, तो उनको जब बताने चाहते हैं कि हमारे स्कूल में ये भी था, प्लेग्राउंड भी है, कोर्ट भी है, ये भी है, तो दे गेट सो अमेज़ कि अरे यार तुम्हारे पास इतना सब कैसे है। तो आपका DPS का एक्सपीरियंस कैसा था? तो मुझे वही लगता है कि जो आपकी पढ़ाई होती है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं आती, वो एक्सपीरियंसेस से आती है। राइट, एंड DPS मतलब वी हैड सेक्शंस टिल W। तो नाउ द थिंग इज उसमें क्या होता है, एक अच्छी चीज that you figure out ki what works for you. Right. P8 like main Interact Club ki vice president thi. Oh wow. Main mujhe jab logo ko maths aur science aur english mein gold medal mil raha tha, jo wo blue blazer aur blue tie mil rahi thi, mujhe gold medal mila tha social service mein. Wow. School aapko ye sari cheeze deta hai jo aapke personality banate hai. And again I am what I am today is definitely some credit is mine. But I would say most of that credit is thanks to the family that I was born in, thanks to the teachers I've had. Okay. I had sociology and psychology. And ye sari cheeze, it's not about the marks, how much you score. It's more important what you understand. Understand, right. Kyunki life mein aapko na hamesha wo zyada kaam aayega. Right. There's this quote I read ki learning se zyada understanding important hai. So when we have a few more memories in ke baare mein hume aur janna hai. Okay. तो ये आई थिंक दिस इज फ्रॉम द ट्रिप, ये yes! ये हम लोग पॉन्डिचेरी के पास शूट कर रहे थे एंड सपना सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, सो सॉर्टेड मलिका, ऑफ कोर्स, सो दिस इज फ्रॉम ट्रिप सीजन 2। यस, आई रिमेम्बर हमें जेलीफिश भी बहुत सारी देखने को मिल रही थी यहाँ पे, तो बहुत मजा भी आ रहा था। एंड सीन यही था कि हम लोग बोट में हैं और फिर हम लोग ढूंढने जा रहे हैं, हम लोग खुद ही खो जाते हैं। तो जब ऐसा शो करते हो जिसमें ट्रैवल इतना होता है, तो खुद भी यहाँ पे फिल्टर कॉफी, ओ माय गॉड, हमने इतनी, हम लोग रोज आई थिंक 3 फिल्टर कॉफी तो पी लेते थे। दिस वाज अ ग्रेट डे, या एंड इट लुक्स लाइक यू गाइस आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। या लवली, so since we're talking about traveling in India, we also got to find out you spent a lot of your childhood in Andaman and Nicobar. So how is that place? ये आप इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हो ना कि I am going back in down memory lane and I'm thinking and feeling all those things that I felt इतने साल पहले. So thank you for that. It's a pleasure for us and I think the audience is going to enjoy knowing about these things. I hope so. तो पापा IAS ऑफिसर है, हाँ. तो पापा का ट्रांसफर हुआ था वहाँ पे, उससे पहले मैं CGM में थी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, जो कि कॉन्वेंट स्कूल था। फिर हम लोग एंडमिन्स गए, वहाँ पे हमने 3 साल बिताए, ओ माय गॉड, वो 3 साल मेरी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट थे। एंड आई थिंक वही की जगह आप जो देखते हो, जो लोगों से मिलते हो, उनका इन्फ्लुएंस रह जाता है। एंड आई एम श्योर कि what I feel about nature, what I feel about sustainability, मुझे वहाँ सब से मिला। And I remember the boy that I had a crush on, तो अब वहाँ क्या, आप कैसे time spend करोगे? Exactly. तो मैं थी 7th standard में, हाँ. तो हम लोग library में जाके बिना एक दूसरे बात किए हुए, वो था हमारे day. Yeah, it always brings a smile to my face. Animals was lovely. And we also, since we're talking about places, you got married in Goa. तो गोवा क्यों चूज किया आपने? चीता और मुझे ये पता था कि हमें दिल्ली और बॉम्बे नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम खुद या हमारे गेस्ट ट्रैफिक में फंसे।
वी वॉन्टेड टू बी समवेयर जहाँ पे सब साथ में हो. Right. ये नहीं हो रहा है कि तू पहुंचा या तू पहुंची या किसी को तकलीफ हो रही है, साथ में ही रहना है. एंड इसलिए हमारा पहला फंक्शन शादी था. हाँ. कि पहले शादी कर लो फिर उसके बाद पार्टी करो. ऑन द सेकंड डे वाज पजामा पार्टी. या हम लोग पजामे में और सब ने पजामे पहने थे बिकॉज वी डिडंट वांट कि किसी को भी स्ट्रेस हो यार कि मतलब ज्वेलरी हो या हेयर मेकअप कैसे करना है या कपड़े की आइनिंग वाइनिंग नहीं. वी वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू एंड वी वॉन्ट यू टू स्पेंड टाइम विद अस. क्वालिटी टाइम इज सबसे ज्यादा जरूरी. टच वुड वी एंजॉयड वॉचिंग इट अ लॉट. जो जितना भी हम सोशल मीडिया पे देख पाए वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्यूट है. एक पूरा वीडियो आई एम गोना सेंड इट टू यू बिकॉज़ इट्स ऑल गुड वाइब्स. प्लीज आई प्रॉमिस यू आपको देख के ना मजा आएगा. हां डन. बिल्कुल वी वांट टू वॉच इट. इफ यू आर ओके वी विल मेक श्योर ऑडियंस आल्सो वॉच इट. ऑफ कोर्स प्लीज प्लीज बिल्कुल. मिर्जापुर शूट करने में अब अ लॉट ऑफ सीन्स दिस टाइम वी हैव सीन कि वो स्ट्रीट्स में मार्केट्स में भी शूट हुए. तो वो करने में दिक्कत आती थी, कैसे करते थे वो? वो चौक का आपको पता है हमें ऑडियंस चाहिए थी, मतलब कि लोग आके देख रहे हैं कि गुड्डू पंडित क्या कर रहे हैं. गुड्डू पंडित हां. मिर्जापुर इज सो पॉपुलर, वो लोग अपने आप आ गए. वो हमने बुलाए भी नहीं थे. एंड दिस इज द जीनियस ऑफ गुरुपा. उन्होंने बस बोला था दैट आई वांट अ नंबर ऑफ कार्स. उस कार से ना एक बैरिकेड हो जाएगा. राइट. जो लोग आए दे रिस्पेक्टेड दैट. Wow. किसी ने भी तोड़ के आने की कोशिश नहीं की. एंड जो वो नारे भी लगाने थे कि गुड्डू पंडित सारे झंडू हो गए ढेर, गुड्डू पंडित बब्बर शेर. हाँ, तो वो जो था वो ऑटोमेटिकली हो गया. तो दैट इज द एनर्जी ऑफ मिर्जापुर. तो ये शूटिंग लखनऊ की है वैसे ना? पूरी लखनऊ, बनारस एंड बॉम्बे में पूरा शूट हुआ है. बट हाँ, वो सारा लखनऊ. वो सारा लखनऊ बनारस. सो गुड वाइब्स की बात करते हैं तो गुड वाइब्स के लिए मूड सेट करना भी बहुत जरूरी होता है. आपके लिए क्या, हाउ डू यू सेट अ मूड? आई थिंक लाइफ में हर चीज, अगर मैंने एक चीज सीखी है कि स्वाद अनुसार करनी चाहिए. हाँ. और वो स्वाद सबका अलग अलग होता है. मेरे लिए व्हाट वर्क्स इज म्यूजिक. बहुत इंपैक्ट करती है. एंड आई थिंक विच इज व्हाई आई मैनिफेस्टेड अ पार्टनर हु इज सो गुड विद म्यूजिक एंड हु क्रिएट्स म्यूजिक. या लवली. मुझे गाने, अगर मुझे किसी, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से ये आज का लास्ट इंटरव्यू होता जहाँ पे आप थोड़े ड्रेन तो हो ही जाते हो, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं गाना लगाती हूँ और मैं उसकी एनर्जी मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ. सो म्यूजिक, कैंडल्स एंड गुड कॉन्टेंट. गुड कॉन्टेंट ना मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लिटरली मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है. आजकल आई एम वॉचिंग हाउस ऑफ द ड्रैगन. ओह यार, एंड इतना मजा आता है ना, एक अच्छी सीन, वेल रिटन सीन, परफॉर्मेंस, कॉस्ट्यूम, जब हर डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो आपको मन करता है कि कम ऑन यार, लेट्स रेज द बार. थॉट्स बिकम थिंग्स. तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, क्योंकि वो हो भी जाता है. वेरी वेरी वेल पुट. सिंस यू मेंशन कि मूवीज कॉन्टेंट से भी काफ़ी मूड आपका अफेक्ट होता है, तो कोई पर्टिकुलर सीरीज या कोई शो या कोई मूवी है जो हमेशा मूड अच्छा करने के लिए आप देखते हो? ऑफिस करके एक है जो, मतलब मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे लगता है वाओ इन्होंने कैसे कर लिया है यार. और कुछ गाने ऐसे होते हैं पार्टीज में जब वो बजते हैं तो इट ब्रिंग्स पीपल ऑन डांस फ्लोर. आपके लिए कौन सा गाना है जो हमेशा आपको पार्टी करने के लिए एक्साइट कर रहता है? तो आई हैव बीन अ ह्यूज प्रीटी ज़िंटा फैन. ओह वाओ. और बचपन में जब लोग कोई मुझसे कहता था कि अरे यू नो यू रिजेंबल या कुछ, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी. सो माय टू गो टू सॉन्ग्स व्हिच आई लव आर माही वे. ओह एंड दैट्स द वे माही वे. वो सुन के यू नो एक जोश आ जाता है. दैट्स योर सॉन्ग. दैट्स योर सॉन्ग. एंड इज द टाइम टू डिस्को. Oh, lovely. What a song. वो तो पार्टी सॉन्ग, बेस्ट पार्टी सॉन्ग. सो मूड के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उससे रिलेटेड भी एक पिक्चर है विच देयर वॉज अ वीडियो ऑल्सो आई सॉ एंड इट वॉज अ लवली मेमरी. बट ये क्या क्यों हो रहा था वो आई वॉन्टेड टू नो. आई थिंक यू गाइज वर ऑन स्टेज एंड चीता वॉज आस्किंग द ऑडियंस की क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलते हो पब्लिक. So this is a performance that we had done at Spoken Fest, and Cheetah had written this wonderful piece where
it's actually about the first time we met. Oh wow. And that we were on the flight and we were asking the audience ki next step kya hona chahiye, and we were asking them to make choices. Right. And one choices ke through then everything was leading to the next thing to wow. happen, and then it ended with a kiss and yeah. तो जब हम गुड वाइब्स की बात करते हैं तो वी फील कि कुछ एक्टिविटीज या कुछ थिंग्स दैट यू डू उनसे भी वो गुड वाइब्स आती है. किसी के लिए मे बी इट्स सिंगिंग, किसी के लिए इट्स डांसिंग. तो और ऐसी क्या एक्टिविटीज है जिनसे आपको गुड वाइब्स आती है? मैंने लाइफ में काफी लेट स्टार्ट किया वर्किंग आउट एंड इट्स स्टार्टेड थैंकफुली बिकॉज ऑफ चीता, बिकॉज ऑफ गोलू एंड बिकॉज ऑफ पांडे जी जो मेरे ट्रेनर हैं. एंड तब मैंने रियलाइज किया कि बल और बुद्धि दोनों बहुत जरूरी हैं. योगा, बिकॉज अगेन ब्रीदिंग, जस्ट स्मॉलर सिंपलर थिंग्स इन लाइफ मैटर अ लॉट. खाना 80% खाना, ओके, क्योंकि जब आप वो भर पेट खाना खा ले होते हो ना तो तब तो सेटिस्फैक्शन होता है. लेकिन उसके बाद आई एम श्योर वी डोंट फील वेरी इजी. तो मुझे वही लगता है कि खाओ जो मना है खाना है, लेकिन प्रोपोर्शन. एंड अनदर थिंग दैट कीप ट्राइंग थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आप कुछ ट्राई करो और आपको पसंद आ जाएगा. जैसे लास्ट लास्ट वीक आई डिड अ क्लास ऑफ पोल डांसिंग. Oh wow. And I really enjoyed it. Wow. आरिफा के साथ मैंने किया, बांद्रा में उनका स्टूडियो है. तो आपको लाइफ में ना ट्राई जरूर करो, नए एक्सपीरियंसेस करो, नए एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये एक जिंदगी है हमारे पास दैट वी नो ऑफ. आगे आगे पीछे क्या होता है मुझे तो नहीं पता, ट्राइंग टू फिगर इट आउट. बट इस लाइफ में ना आज के दिन में आप क्या कर सकते हो, इस पल में आप क्या कर सकते हो, वो हम कल के चक्कर में हम आज को भूल जाते हैं. तो यहाँ रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, और वही जो कहते हैं कि अपने आप को ये आज का गिफ्ट देते हैं. Wow. Live in the present and keep trying new experiences. Yeah, yeah. So since we are things to do and our lot audience keep on asking us what are different things that they can be doing. So they specially ask ki yaar ye weekend pe kya kare, because mostly weekdays pe sab kaam kar rahe hote hain and weekdays pe they want to do something new. To aapke weekends kaise rehte hain, aap weekends pe kya karte ho? Main weekends pe movies dekhti hu, apne friends ke sath time spend karti hu because most of them have corporate jobs. तो फिर वो वीकेंड उनके लिए फ्री होती है. आई डेफिनेटली इस बार सैटरडे का प्लान है कि वर्कआउट के बाद हम लोग माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई वी आर गोइंग टू गो फॉर एन आइस बाथ. ओके. क्योंकि वो बॉडी के लिए, रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है. तो हम पहले वर्कआउट करेंगे और उसके बाद आइस बाथ करेंगे. कल का मलिका और मेरा प्लान है कि हम लोग एक कोई क्लासिक मूवी, मोस्टली सत्यजीत रे की एक मूवी देखने वाले हैं. क्योंकि वो पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और अगेन मजे के मजे भी हो जाएंगे. और फूड ऑफ कोर्स. Then we have another picture. I think this is from Italy. Oh! This had the caption "Good vibes only." This was on a honeymoon. Oh wow! So हम लोग Florence में थे and this was the first place and I'm having a rosé which tasted absolutely amazing. Wow! And we were having a pizza. And by the end of it, हम पिज़्ज़ा से थक भी गए थे काफी. कि यार हाँ कि मतलब कोई कुछ और भी दो, प्लीज कुछ और दे दो, थोड़ा तो चीज़ और मैदा हटाओ. हाँ एग्जैक्टली. तो डू यू लाइक ड्रिंकिंग? आई एंजॉय ड्रिंकिंग, हमारे घर में बचपन से भी. एंड द थिंग इज क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम जो बच्चों को बोलते हैं ना कि ये गलत है या ये नहीं करना चाहिए, फिर वही उसी का लगता है यार ये तो करना ही करना है. तो थैंकफुली इन माई फैमिली इट वॉज नेवर मेड अ बिग डील. इन फैक्ट हमेशा से ये था कि श्योर इफ यू वॉन्ट टू ड्रिंक एंड कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में की जाए तो इट्स फाइन. तो या आई एंजॉय ड्रिंकिंग इन लिमिट. डू यू हैव एनी प्रेफर्ड कॉकटेल्स दैट यू लाइक? ब्लडी मैरी. ओह या, बिकॉज मुझे मीठा एक्चुअली लाइक में ज्यादा पसंद नहीं है. तो उसमें जो टबास्को का स्पाइसी और नमक का वो जो आता है The most I've done is skydiving. Wow. Which was great. And वो skydive करते करते मैं चीता का गाना भी गाया था
बिकॉज मैं चीता के लिए तब एक वीडियो बना रही थी वेयर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली हम लोग सब लिप सिंक कर रहे थे. ओह वाओ. फिर मैं वो स्काई डाइव करते ही करते मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी. बट वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स एडवेंचर के उसमें इज स्कूबा डाइव. दैट आई थिंक इफ यू कैन प्लीज वो करो क्योंकि वो जो पानी के अंदर जो दुनिया है ना बहुत ही अलग दुनिया है. वहाँ आपको जो देखने को मिलेगा जो कलर्स हैं जो डिजाइन हैं आप लिटरली वो वाला जो इमोजी होता है ना कि माइंड ब्लोन वाला आप वो हो जाओगे. वो जो यू विल हैव योर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मोमेंट. राइट. सो जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द शो आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन. What is that one thing that you feel you're yet to do? I think do a musical. Oh, now wow. that because we're talking about dance. Dance and singing. Yeah, I think performance wise, I think gaana to pata nahi. Main kitna hi ga paungi. Heera Mandi 2. But, oh, huh. Or maybe something happier. Yeah. I think kyunki abhi Cheetah ne after Mirzapur and we just saw a few episodes of Ye Kali Kali Aankhein. And Cheetah said, Shweta, can I please see something where you're smiling? Where you're enjoying. And not enjoying in terms of torture or being dark, which I really do. But, so I think I would like to do a musical where there's dance, there's on stage, or very, in fact, actually Wonka. Yeah. Wonka, jab maine dekhi thi, I was again mind blown ki, wow, yaar, ye kaisi kahani bata rahe hain, jahan pe emotions bhi hain. जहाँ पे काइंडनेस भी इतनी ज्यादा है जहाँ बच्चे भी देख सकते हैं बड़े भी देख सकते हैं. इंपैक्ट बहुत बड़ा था उसका. सो समथिंग ओके लेट्स मैनिफेस्ट अ स्टोरी लाइक वोंका. या एंड दिस इज अ मैनिफेस्टेशन काउच वी बिलीव ये होना ही है अब. चलिए तो वी हैड अ ग्रेट टाइम श्वेता. बहुत मजा आया आज आपसे बात करके. आई एम श्योर द ऑडियंसेस वुड हैव एंजॉयड आल्सो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो. थैंक यू. और सून हम दिल्ली में भी छोले भटूरे साथ में जरूर. राजमा चावल मैं खिलाऊंगा आपको. बहुत बढ़िया. चलो तो गाइज विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द एपिसोड. इफ यू एंजॉयड वॉचिंग अस हैव दिस मच फन मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू थिंग्स टू डू. अगर आप भी एक बार ऑडियंस को बोल दो. बिल्कुल. आप प्लीज अच्छी बातें जो भी करें जहां भी करें उसको आप लाइक करो. आप अच्छी एनर्जी और इमोशंस को शेयर करो. और ऑफ कोर्स आपको जो भी पसंद है अगर हम पसंद है तो आप सब्सक्राइब करो. थैंक यू गाइज. थैंक यू श्वेता. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड गुड वाइब्स. गुड वाइब्स राइट. गुड वाइब्स ढूंढते जाओ और गुड लाइफ पाते जाओ. टाटा. कि जो मेरी हालत हो रही थी मुझे बिल्कुल ऐसा गोलू टाइप नहीं लग रहा. मुझे लग रहा कोई पानी दे दो कोई नींबू पानी दे दो ये. एंड ऑफ कोर्स हसन भाई वाज देयर टू टेक केयर. पैकेज फूड इज नॉट गुड फॉर यू इवन इफ आई एम एडवर्टाइजिंग इट. फास्ट फूड इज नॉट गुड. यूनिवर्स प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स राइटर्स वोंका म्यूजिक. लेट इट बी अ डिस्कशन रादर देन तुम ऐसी हो तुम वैसी हो कि या मैं चढ़ गया क्योंकि मर्दों की दुनिया में एक लड़की कहां से आ गई. दैट इज योर प्रॉब्लम. सॉरी.